गुज़श्ता मौज़ू बड़ा तवील था, बहुत कोशिश की थी क्लोज करूँ थी, मुख्तसर करूँ थी, यानी इंसान की मंजिल क्या है। आलम अरबा का मसा शुरू किया था, आलम अरबा को इंसान ने मंजिल शुरू की थी, बस आला मेरे माँ ने पेट के अंदर आलम दुनिया दुनिया के जल वे रूह जिसम तो परवास कर देती है, वह दुनिया की मुद्दत ये भी खत्म थी रहती है। अब वे आलम बरज़ख, आलम बरज़ख तो बाद आलम आखरत माशर क्यामत के मामलात तक, क्यामत दिया छोटिया निशानियां, क्यामत दिया बड़िया निशानियां, इतों तक मौजू बयान थी चुके। माशर के मैदान के अंदर हर बंदे हाजिर थी ने कुल कैनात के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जिन्हें दूजी दफा सूर फूकिया गया सी, दूजी दफा सारे अपने कमरे तो उठ सन, सब तो पहले मैं नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर के उठ सा, मेरे नाल अबू बकर सिद्दीक हुसैन, उमर फारूक हुसैन, ईसा अलैहि सलाम की हुजूर के नाल हुसैन, जन्नत अल बकी जन्नत अल मुअल्ला, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इकट्ठा करके माशर के मैदान में हाजिर थी। माशर का मैदान है, माशर का जरा मैदान है, माशर का जो निवहार है वो किस किस्म का, किस नौयत का हो सी। अल मुख्तसर ये कि माशर का मैदान नफसा नफसी का मैदान हो सी, माशर का मैदान सख्ती का मैदान हो सी, माशर का मैदान तो हो सी जिड़े मैदान के अंदर हर बंदे अपनी जान दी पाई हो सी, कहीं कहीं का अपनी फिक्र करना हो सी, कोई परवाह करना हो सी, यौमा यफिर मर मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी लिकुल इमरी मिन यौम अजन शक्न योनी, हर कोई एक दूजे को दौड़ सी, कोई कहीं की फिक्र ना करे सी, कोई कहीं की परवाह ना करे सी, हत्ता के वालिदैन ओ वालिदैन जिहड़े दुनिया के अंदर अपनी औलाद के नाल मुहब्बत करें, वो वाले दैन भी कल क्यामत वाले दिन हार अपनी औलाद की परवाह न कर सके, वो वाले दैन जिहड़े दुनिया के अंदर सब कुछ अपनी औलाद वास्ते कुर्बान कर देते, अपना रुपया पैसा जायदाद अपना सुकून सब कुछ अपनी औलाद वास्ते कुर्बान कर देते, कल क्यामत वाले दिन हार वो वाले दैन उन्हें को औलाद की फिक्र करना उसी बल्कि उन्हें को अपनी जान दी फिक्र करना उसी, और जड़ी औलाद उसी जड़ी माँ पी की दुनिया के अंदर खिदमत करेंगी, माँ पी की इज्जत करेंगी, माँ पी का एहतराम करेंगी, वो औलाद भी कल क्या मतलब दिमाग औलाद को भी वाले दैन की फिक्र करना उसी, औलाद को भी अपनी फिक्र हो सी। आज रिश्ता है दुनिया का भेद भिरा का, भिरा का रिश्ता है, भेद भिरा का रिश्ता है, ये रिश्ते मोहब्बत के रिश्ते हैं, प्यार के रिश्ते हैं, लेकिन कल क्या मतलब दिहा ये रिश्ते भी काम ना हो सके, कोई फिक्र कहना उसी कहीं तो मेरे दिलार क्या थी ना पाए, मेरी भेड़ का क्या थी ना पाए, मेरे अजीज और कार्य मेरे रिश्तेदार का क्या थी ना पाए, हर कहीं तो अपनी जान दी उसी। पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमाए वो गजब का दिहा हो सी, रब ताला का जलाल, रब ताला का गुस्सा, उनका गजब इंतहा, अल्लाह अकबर, हर बंदे को अपनी परेशानी लाए तो सी, और जरा कल क्यामत का दिहार हो सी, कल क्यामत का दिहार सूरज सवा नेजे थे हो सी, एक रिवायत है कि सूरज सवा नेजे थे हो सी, एक रिवायत है कि हे तबीर सारे को दूर हो सी, लेकिन ई वक्त सूरज सारे को हजार हा साथ की मुसाफत है, हजार हा साथ का सफर है, ई वक्त सारे को सूरज दूर है, और
रिवायात विच उलमा ने फरमाई कि ई वक्त सूरज दी जड़ी तपिश है, जड़ी सूरज दी गर्मी है, वह हर बंदे दे सामने है कि सूरज दी तपिश, सूरज दी गर्मी बहुत ज्यादा है। हालांकि हजार हर साल की मुसाफत है, सूरज दी गर्मी सर को बर्दाश्त नहीं की थी। जेडे वेले गर्मी के निभाग होने, सख्त गर्मी के निभाग उन्होंने बंदा माफ नहीं कर सकता, बाहर क्या अंदर भी नहीं, जे तक पंखा ना चले, एसी ना चले, ठंडी हवा ना हो, ठंडा पानी ना हो, उन वक्त तक इंसान को बर्दाश्त नहीं थींदा। ए दुनिया की गर्मी है और ई वक्त सूरज भी सारे को दूर है, और रिवायात विच उलमा ने फरमाया कि ई वक्त सूरज, सूरज का मुंह सारो नहीं, जमीन दो नहीं, बल्कि ई वक्त सूरज की कंध सारो, सूरज का मुंह जमीन दो नहीं लेकिन बहसर भी मार सूरज का मुंह कंध ओ जड़ी है सूरज की कंध ओ गर्मी सब सड़े भी की जिन्हें सूरज अपना मुंह तरह से ओ गर्मी कितना गर्मी हो सी वाल हजार हम मुसाफर दे उते सूरज सड़े के दूर है बाकी ने हित भी क्या सवा दे जे करीब हो सी, उन वक्त कितना तपिश हो सी, कितना गर्मी हो सी। अल्लाह अकबर, पाक नबी अलैहि सल्लतु व सलाम ने इरशाद फरमाए जड़े कुफार लोग हो सन, जड़े बदकार लोग हो सन, उन्हें दा लोग दा पसीना खत्म ही ना थी, माशर दिमाग माशर दे मैदान दे अंदर उन्हें दा पसीना खत्म ही ना थी। हर बंदा पसीने को शराबूर हो सी, हत्ता के कुछ लोग दा पसीना इतना ज्यादा थी वे सी के गिटे तक पसीना ही पसीना हो सी, कुछ को पसीना हो सी गोने तक, कुछ को हो सी सीने तक, नाक तक, सीने तक, कुछ को गर्दन तक हो सी। जड़े गुना काफर हो सन, कुफार का पसीना गर्दने तक हो सी, और पसीना इतना ज्यादा और इतना गर्म हो सी कि वो पसीने के अंदर ही दुबिया कर दे, इतना सख्ती हो सी माशा के मैदान के अंदर। अल्लाह अकबर, सवा देजे के करीब सूरज हो सी, गर्मी दी तपिश हो सी, लेकिन ये मकाम दे उते, जो मकाम दे उते पाक नबी अलैहि सलाम ने महशर की सख्ती को बयान फरमाया, महशर दे मैदान को, सूरज की गर्मी को, तपिश को,